हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो इस गाड़ी को देख कर समझ गए होंगे कौन सी गाड़ी है, और गेस करके इस कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सी गाड़ी थी जिसका मैंने अभी आपको लुक दिखाया। तो हम बात करते हैं आज स्कॉर्पियो एन की, जो हाल ही में लॉन्च हुई है, जिसकी प्राइसिंग महिंद्रा ने काफ़ी अच्छी रखी है। जो बेस वगैरह शुरुआत होती है 11.99 लाख से, और अगर हम ऑन रोड की बात करें तो आपको 12.5 तक की पड़ जाएगी। और 12.5 तक अगर बेस मॉडल स्कॉर्पियो एन का पड़ रहा है, तो बात करते हैं इसे कॉम्पिटिटर की। तो इसे कॉम्पिटिट करते हैं किया सेल्टॉस, जिसकी प्राइसिंग 12.5 से ऊपर ही ऊपर है। अर्बन क्रूजर टोयोटा की, उसकी भी प्राइसिंग काफ़ी ऊपर है। फिर अगर बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शन की, तो इसके इंजन में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक पेट्रोल एक होता है मिल जाता है आपको डीजल। तो पेट्रोल की बात करें तो वो आपको पावर निकाल के देता है 203 PS की, जो कि काफ़ी बढ़िया पावर है। और अगर डीजल की बात करें तो आपको 135 PS की पावर देता है। बात करें इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में टच स्क्रीन मिल जाती है। अगर आप बेस मॉडल लेंगे तो आप उसमें आपको छोटी स्क्रीन मिलेगी, अगर आप टॉप एंड मॉडल लेते हैं तो आपको उसमें 7 से 8 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी। इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। बाकी तो आप देख सकते हैं ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लुक वाइज काफ़ी अच्छी लगती है। करें कलर ऑप्शन की, तो इसमें आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, रेड ब्लैक ग्रीन वाइट और ब्लू। और बात करें अगर इसके कॉम्पिटिटर की, तो इसमें कॉम्पिटिटर आपको बेस मॉडल में हाइलोजन लैम्प देते हैं, जो कि आपको स्कॉर्पियो एन में बेस मॉडल से ही DRLs और LED लैम्प दिए जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब 12 लाख में आप इससे ज़्यादा क्या लेंगे। अब बात करें इसके इंडिकेटर की, तो आपके मिरर पर इंडिकेटर मिलते हैं, और अगर कॉम्पिटिटर की बात करें तो इसके फेंडर पर इंडिकेटर मिलते हैं। इसमें आपको लेदर रैप स्टीयरिंग मिलेगा, जो कि बेस मॉडल में नहीं अवेलेबल रहेगा, लेकिन आप बेस मॉडल से ऊपर आएंगे तो उसमें आपको लेदर रैप स्टीयरिंग मिलेगा। स्टीयरिंग कंट्रोल लेंगे, जो कि आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे। बाकी अगर आप Z4 से कंटिन्यू करते हैं तो आपको स्टीयरिंग कंट्रोल भी मिलेंगे। बात करें सेटिंग ऑप्शन की, तो आपको इसमें बेस मॉडल से ही 6 सीटर एंड 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है, और AC वेंट भी आपको इसमें बेस मॉडल से आगे के साथ साथ पीछे में मिडिल रो में भी मिलेंगे। और आगे बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग से भी ऊपर होता है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग से भी काफ़ी अच्छा होता है, जो कि कंडीशंस के हिसाब से अपना प्रेशर बनाता है और बढ़िया एक्सपीरियंस देता है गाड़ी चलाने के लिए। बात करें इसके आगे, तो सेफ्टी वाइज बात करें तो इसमें आपको फॉर्च्यूनर से भी अच्छी रेटिंग मिल जाती है सेफ्टी वाइज। बाकी लुक वाइज तो गाड़ी ख़तरनाक है ही। आपको कैसी लगी गाड़ी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसकी हम डीजल की बात करें, तो डीजल आपका बेस मॉडल पड़ता है 12.5 का, जो कि ऑन रोड आपको 13.5 का पड़ जाएगा। पेट्रोल की बात करें तो 11.5 का पड़ता है, जो कि आपको ऑन रोड 12.5 पड़ जाएगा। और इसके मॉडल्स की बात करें तो आपको Z2, Z4, Z8 और Z8L मिल जाते हैं। Z8L का मतलब होता है लग्जरी ऑप्शन। अगर आप इसकी बात करें तो आपको Z6 से इसमें सनरूफ मिलना चालू हो जाती है, और अलॉय व्हील से मिलना चालू हो जाते हैं। इसमें पेंटालिंग के रियर सस्पेंशन मिलता है, जो कि गाड़ी को बढ़िया स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसकी आगे बात करें तो इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, जो कि आपको Z6 से मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बेस मॉडल की बात करें तो 2 एयरबैग कंपल्सरी है। अगर बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर हम इसकी आगे बात करें तो इस प्राइसिंग में और कोई गाड़ी आपको इतने अच्छे फीचर्स और इतनी बढ़िया चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। बात करें एयरबैग्स के, तो इसमें एयरबैग 6 एयरबैग्स हैं, जो कि आपको फॉर्च्यूनर में भी नहीं मिलते हैं। और बात करें सनरूफ की, तो इसका सनरूफ जो है डी सेगमेंट की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी मस्त है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलो, और आपको ये गाड़ी कैसी लगी इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको गाड़ी, कैसी लगी। और बात करें इसकी अगर बुकिंग की, तो बुकिंग भी इसकी जल्दी शुरू हो जाएगी, जिसकी अपडेट आपको जल्दी दे देंगे। धन्यवाद।